नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। अतरौली थाना क्षेत्र के सिलहरा पट्टी गांव के समीप एनएच 233 पर एक मैजिक अनियंत्रित होकर गहरे खाई में पलट गई, जिसमें सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस को फोन कर निकट के अस्पताल सोसैया पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख दोनों लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजीव पुत्र नवमी 25 वर्षीय पता चांदपुर महाराजगंज जिला आजमगढ़ तथा संदीप राजभर पुत्र हरिराम 27 वर्षीय चांदपुर महाराजगंज जो मैजिक गाड़ी से कबाड़ खरीदने और बेचने का काम करते हैं। शनिवार की शाम 4 बजे करीब आजमगढ़ से लखनऊ की तरफ जा रहे थे कि सुलहर पट्टी गांव के समीप मैजिक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई, जिसमें मैजिक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सौसई अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आइए सुनाते हैं कि घायल ने क्या कुछ कहा। कैसे गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ, मैं चला रहे थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ बताओ? गाड़ी सामने से लेके आ रहे थे, मतलब रॉन्ग साइड से, मतलब आप रॉन्ग साइड से भी गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम अपने साइड से ही जा रहे थे गाड़ी लेके, लेकिन अचानक मतलब दोनों लोग बात कर रहे थे, मतलब भंगार के लिए, मतलब कहाँ बेचेंगे, कैसे क्या खरीदेंगे, घर चलेंगे क्या करेंगे, ऐसे करते करते नजर बस फंसी, बस सामने से गाड़ी आई, बस हम बचाने के चक्कर में बस अपने साइड ही गए, बस ऐसे अचानक हम आपस हो गए। ठीक है।